नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ विजय देवराकोंडा की मूवी अर्जुन रेड्डी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों अर्जुन रेड्डी मूवी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 25 अगस्त साल 2017 को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वांगा ने। ये इनकी पहली मूवी थी। इस मूवी से पहले वे नागार्जुन की मूवी केड़ी के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह नाम की मूवी बनाई थी। वहीं इस मूवी को प्रोड्यूस किया था प्रणय रेड्डी वांगा ने और इस फिल्म में म्यूजिक दिया था राधन ने। दोस्तों इस फिल्म में नजर आए थे विजय देवराकोंडा, शालिनी पांडे, राहुल रामाकृष्णन, कमल कामाराजू, कंचना, गोपीनाथ भट्ट और अदिति मैकाल जैसे बेहतरीन कलाकार। वहीं अर्जुन रेड्डी मूवी को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बनाने में 4 करोड़ का खर्च आया था और इस मूवी ने टोटल 51 करोड़ 50 लाख की कमाई करी थी, जिसमें से इस मूवी का नेट कलेक्शन था 26 करोड़ 7 लाख रुपए। और दोस्तों ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अर्जुन रेड्डी मूवी तेलुगु फिल्मों में साल 2017 में कमाई करने के मामले में 10वें नंबर पर थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी बाहुबली द कंक्लूजन, दूसरे नंबर पर मूवी थी कैदी नंबर 150, तीसरे नंबर पर मूवी थी जय लव कुसा, चौथे नंबर पर मूवी थी डीजे, पांचवें नंबर पर मूवी थी स्पाइडर, छठवें नंबर पर मूवी थी फिदा, सातवें नंबर पर मूवी थी गौतम पुत्रा सताकर्णी, आठवें नंबर पर मूवी थी MCA, नौवें नंबर पर मूवी थी नेनू लोकल और 10वें नंबर पर मूवी थी अर्जुन रेड्डी। वहीं अगर साउथ फिल्मों की बात करें यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, इन सभी भाषाओं को मिला दें तो अर्जुन रेड्डी मूवी कमाई करने के मामले में 24वें नंबर पर थी। दोस्तों साल 2017 में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी सलमान खान की टाइगर जिंदा है, तेलुगु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी बाहुबली द कंक्लूजन, तमिल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी विजय की मार्शल, कन्नड़ में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी राजकुमारा और मलयालम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी मुंथिरिवल्ली थरिल कुंबोल। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अर्जुन रेड्डी मूवी को डायरेक्ट किया था संदीप वांगा रेड्डी ने। ये मूवी उनकी लाइफ की पहली मूवी थी और इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड था। जैसे कि फिल्म के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी खुद भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे और वे खुद काफी गुस्सैल किस्म के इंसान थे और इन्हीं सारी चीजों को लेकर उन्होंने अर्जुन रेड्डी मूवी की कहानी लिखी थी। दोस्तों इस कहानी को उन्होंने पूरे दिल से लिखा था और इस कहानी को कंप्लीट करने में 2 साल का समय लग गया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इस मूवी से पहले संदीप रेड्डी वांगा नागा अर्जुन की मूवी केड़ी के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। दोस्तों केड़ी मूवी साल 2010 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के रिलीज होने के जस्ट बाद से साल 2012 तक उन्होंने अर्जुन रेड्डी मूवी की कहानी लिखी थी। इसके बाद वे 3 से 4 सालों तक प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाते रह गए थे, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट इतना बोल्ड था कि कोई भी प्रोड्यूसर इस फिल्म में अपना पैसा नहीं लगाना चाहता था और अगर कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार भी हो जाता था तो वो फिल्म में काफी चेंजमेंट चाहता था, जो कि फिल्म के डायरेक्टर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसके बाद संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा और उनके पिता ने अपनी निजी प्रॉपर्टी को बेचकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों फिल्म के लिए फोटोशूट 20 जून साल 2016 को चालू हुआ था और 86 दिनों तक चला था। फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में 200 दिन का समय लगा था। फिल्म के टीजर को 27 फरवरी साल 2017 को और फिल्म के ट्रेलर को 29 जुलाई साल 2017 को रिलीज किया गया था। फाइनली इस मूवी को 25 अगस्त साल 2017 को एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों फिल्म की सफलता के बाद इस फिल्म को कबीर सिंह के नाम से बॉलीवुड में रीमेक किया गया था और इस फिल्म को फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने ही डायरेक्ट किया था। इसके बाद इस मूवी को 22 नवंबर साल 2019 को तमिल में आदित्य वर्मा के नाम से बनाया गया था। इस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा के असिस्टेंट ने डायरेक्ट किया था। इसके अलावा इस फिल्म के कन्नड़ा राइट्स को भी बेच दिया गया है और जानी मानी कंपनी E4 एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म के मलयालम राइट्स को खरीदा है और जल्द ही इस फिल्म के कन्नड़ और मलयालम वर्जन भी देखने को मिलेंगे।
फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस फिल्म के लिए सबसे पहले तेलुगु एक्टर सर्वानंद को अप्रोच किया गया था। सर्वानंद ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी और उनको इस फिल्म की कहानी काफी बोल्ड लगी थी। इसके बाद उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद इस रोल के लिए विजय देवराकोंडा को अप्रोच किया गया था और उन्होंने तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दिया था। दोस्तों उस समय विजय देवराकोंडा का करियर काफी खराब चल रहा था। उनकी पिछली फिल्म पल्ली चोपलू बनकर तैयार थी लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने को तैयार नहीं था। उस समय काफी सारे लोगों ने उनको फिल्म में लेने के लिए मना किया था। इसके बावजूद संदीप रेड्डी वांगा ने विजय देवराकोंडा को अपनी फिल्म में लिया था और फिल्म के रिलीज होने के बाद उनका डिसीजन सही भी साबित हुआ था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस फिल्म में काम करने के लिए विजय देवराकोंडा को 30 लाख रुपए दिए गए थे और इस पूरी फिल्म के दौरान विजय देवराकोंडा ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों को देखना बंद कर दिया था। वे गॉडफादर, स्कारफेस और गुड फील्स जैसी डार्क फिल्में देखने लगे थे ताकि वे अपने किरदार को अच्छी तरीके से निखार सकें। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जिस दिन अर्जुन रेड्डी मूवी रिलीज हुई थी उस दिन और भी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं। उस दिन इस मूवी का डायरेक्ट क्लैश हुआ था अजीत सर की मूवी विवेगम और बॉलीवुड मूवी अ जेंटलमैन से, और इन तीनों ही फिल्मों में अर्जुन रेड्डी मूवी सबसे कमजोर मालूम पड़ रही थी। लेकिन रिलीज के बाद इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली मूवी अर्जुन रेड्डी मूवी थी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जिस समय ये मूवी बनकर तैयार हुई थी इसकी लंबाई थी 220 मिनट यानी 3.5 घंटे से भी ज्यादा की। इसके बाद सेंसर बोर्ड में इस फिल्म के कुछ सीन कट हुए थे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पर इस फिल्म के लेंथ को 3 घंटे की किया गया था। फिल्म से जो भी सीन काटे गए थे उनको बाद में यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों अर्जुन रेड्डी मूवी के टेलीविजन राइट 3.5 करोड़ में बिके थे जिसे स्टार वालों ने खरीदा था। जिस समय इस फिल्म का तेलुगु में वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर किया गया था उस समय इसकी टीआरपी थी 13.6 जो कि उस समय की सबसे हाईएस्ट थी। इसके अलावा इस फिल्म के डिजिटल राइट्स को अमेजन प्राइम ने खरीदा था और फिल्म के रिलीज होने के 55वें दिन पर इस फिल्म को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों फिल्म की शूटिंग के दौरान ही फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के घर लड़का हुआ था और उसका नाम फिल्म के नाम पर अर्जुन रेड्डी ही रख दिया गया था। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, फिल्म की शूटिंग के दौरान विजय देवराकोंडा काफी काम रहते थे, वहीं दूसरी ओर फिल्म के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी को एंगर इशू थे और उनको जब कभी भी गुस्सा आता था तो वे फ्रिज पर पंच मारते थे। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों फिल्म की शूटिंग के दौरान विजय देवराकोंडा काफी सारे सीन्स को एक टेक में ही देना पसंद करते थे। फिल्म का वो सीन जहाँ पर अर्जुन प्रीति के घर जाता है और घर के बाहर प्रीति और अर्जुन में झगड़ा होता है, इस सीन को भी एक टेक में ही शूट किया गया था। इसके अलावा क्लासरूम वाले सीन को भी एक शॉट में ही शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों फिल्म के अंतर्गत एक डॉगी का नाम प्रीति रखा गया था। इसके अलावा फिल्म में हीरो हीरोइन को तमाचा मारता है और फिल्म में काफी सारी गालियां भी थीं। इस वजह से फिल्म के रिलीज होने के बाद काफी सारे फेमिनिस्टों ने इस फिल्म की आलोचना करी थी। यहाँ तक कि इस फिल्म के बाद विजय देवराकोंडा को बैन तक कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। दोस्तों सेम इसी तरह कबीर सिंह और आदित्य वर्मा, इन दोनों मूवी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों इस फिल्म के क्लाइमेक्स में जो पार्क वाला सीन दिखाया गया था वो इस फिल्म का पहला सीन था जिसे सबसे पहले शूट किया गया था। इसके अलावा विजय देवराकोंडा इस फिल्म में 3 लुक में नजर आए थे, एक लंबी दाढ़ी में, एक क्लीन शेव में और एक हल्की दाढ़ी में। दोस्तों सबसे पहले लंबी दाढ़ी वाले सीन को शूट किया गया था, इसके बाद उनको क्लीन शेव करके क्लीन शेव वाले सीन को शूट किया गया था और उसके बाद हल्की दाढ़ी वाले सीन्स को शूट किया गया था। अगर वे इन लुक्स को इस तरह ना शूट करते तो बाद में उनको विजय देवराकोंडा की दाढ़ी आने का इंतजार करना पड़ता। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों इस फिल्म में एक कोर्ट सीन था जहां पर विजय देवराकोंडा से ये पूछा जाता है कि क्या उन्होंने शराब पीकर ऑपरेशन किया था और विजय देवराकोंडा कहते हैं कि हाँ उन्होंने शराब पी थी। दोस्तों ये सीन हॉलीवुड की मूवी फ्लाइट से कॉपी किया गया था और तो और एकदम सेम टू सेम डायलॉग्स भी रखे गए थे। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के लिए 2 एंडिंग रखी थी, एक हैप्पी एंडिंग और एक सैड एंडिंग, और फिल्म के डायरेक्टर काफी कंफ्यूज थे कि वे फिल्म में हैप्पी एंडिंग रखें या फिर सैड एंडिंग। बाद में उन्होंने सोचा कि अगर वे इस फिल्म की सैड एंडिंग रखेंगे तो उनके दर्शक काफी हर्ट हो जाएंगे, इसके बाद उन्होंने इस फिल्म में हैप्पी एंडिंग रखी थी। इसके अलावा डायरेक्टर ने इस फिल्म को काफी अलग तरीके से पेश किया था। इस फिल्म की शुरुआत जिस सीन से होती है उसी सीन पर फिल्म खत्म होती है। इसके अलावा जनरली ऐसा होता है कि
फिल्म का टाइटल फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, लेकिन इस फिल्म में फिल्म के टाइटल को फिल्म के इंटरवल में दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों फिल्म की हीरोइन शालिनी पांडे की ये पहली मूवी थी। इससे पहले वे जबलपुर में थिएटर किया करती थी और वहीं पर फिल्म के डायरेक्टर की नज़र उन पर पड़ी थी। इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने उनको अर्जुन रेड्डी मूवी के लिए अप्रोच किया था और उन्होंने फिल्म को करने के लिए हामी भर दी थी। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों अर्जुन रेड्डी मूवी को टोटल 7 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड विजय देवराकोंडा को अर्जुन रेड्डी मूवी के लिए दिया गया था। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों फिल्म के रिलीज होने के ठीक एक दिन पहले हैदराबाद में इस फिल्म के 55 पेड प्रीमियर रखे गए थे, जो कि बाहुबली द कंक्लूजन मूवी के प्रीमियर से भी ज्यादा था। बाहुबली द कंक्लूजन मूवी के टोटल 33 प्रीमियर रखे गए थे, जबकि अर्जुन रेड्डी मूवी के टोटल 55 प्रीमियर रखे गए थे। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग मैंगलोर, देहरादून, दिल्ली और इटली में हुई थी। इसके अलावा कॉलेज वाले सीन के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने अपने कॉलेज में बात करी थी, लेकिन वहां शूटिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाया था। उसके बाद इन सीन्स को मैंगलोर के एक मेडिकल कॉलेज में शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 20, दोस्तों सबसे पहले इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे नागेश बैनल, लेकिन बाद में विजय देवराकोंडा के कहने पर इस फिल्म में राज थोटा को ले लिया गया था। दरअसल राज थोटा विजय देवराकोंडा की मूवी पेल्ली चोपलू के सिनेमेटोग्राफर थे और विजय देवराकोंडा उनके काम से काफी प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने राज थोटा को इस फिल्म के लिए रिकमेंड किया था और बाद में उनको इस फिल्म में एज अ सिनेमेटोग्राफर ले लिया गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको विजय देवराकोंडा की मूवी अर्जुन रेड्डी कैसी लगी थी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।